खबर बुधनी से। जनपद पंचायत फेरुंदा अंतर्गत आने वाले ग्राम लाड़कुई में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित, वहीं ग्रामीणों द्वारा कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं। सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, नालियां चौक है, ग्राम में सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लगा है। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों द्वारा सरपंच सचिव को दी गई तो वो भी सुनने को तैयार नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 15 दिनों से नालियां चौक होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और इसी गंदे पानी से होकर ग्रामीण मंदिर मस्जिद में जाने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। बुधनी से नितिन मालपानी की रिपोर्ट। लीलाधर महेश्वरी। कहाँ के निवासी हो? ग्राम लाड़पुरी। क्या समस्या आ रही है? करीब 8 रोज से ये धारा जो बह रही है हमारे मकान के सामने से, हम लोग मंदिर अंदर जाते हैं तो पूजा पाठ करने के लिए पूरे गंदे पेड़ होते हैं और ये हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आज 8-10 रोज हो गए इसको कहते कहते, ना तो कोई साफ सफाई हो रही है इसकी और ना कोई सुनने को तैयार है। पंचायत में भी हमने 2-4 बार बोला तो कहने लगा करवाएंगे, बस ऐसा टाल मार देते हैं, इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसकी। अपना नाम बताएं। जितेंद्र महेश्वरी। कहाँ के निवासी जितेंद्र भाई? लाड़कुई। क्या समस्या आ रही है पानी को लेकर? समस्या ये आ रही है कि निरंतर ये विकास की गंगा जो है बरकरार है। पिछले 10-15 दिनों से हमारे द्वारा सरपंच महोदय को अवगत कराया गया, सेक्रेटरी महोदय को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बोलते हैं तो बोले आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। पिछले 1.5 साल हो गया सरपंच बने हुए, लेकिन आज दिनांक तक नाली साफ नहीं हुई है और आप देख सकते हो पूरी रेत भरी हुई नालियों में। अगर नाली साफ हो जाए तो ये समस्या खत्म हो जाए। लोगों ने अपने भगवान के स्थान मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, वहाँ भी ये गंदी वाड़ा लेके जा रहे हैं। हर व्यक्ति परेशान है। अब कल रविवार है, बाजार लगेगा, बाजार में भी बेचारे बाजार वाले से वसूली करते हैं और साफ सफाई करते नहीं है। ये ढेर देखो आप, और वहाँ ढेर लगा हुआ पूरे हाथ तक, पूरा ढेर लगा हुआ, कोई सुनने को तैयार नहीं है।